टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 8 to 10 टेबलस्पून शुगर, 1/2 कप काजू, 1 कप बादाम, 5 इलायची, केसर, जावित्री पाउडर। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। दूध जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम काजू और बादाम की पाउडर बना लेंगे। मिक्सर के जार में हम काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे। बादाम हम 1/2 यूज करेंगे और 1/2 हम बाद में यूज करेंगे। इसमें हम इलायची भी डाल लेंगे और इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और पाउडर बना लिया है। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसको हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब हम मिक्सी के जार में बादाम डालेंगे 1/2। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। बादाम की हमने पेस्ट बना ली है, आप देख सकते हो। अब इसको हम साइड में रख देंगे और दूध चेक करते हैं। आप देख सकते हो दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम केसर डालेंगे, इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बादाम की पेस्ट डालेंगे जो हमने ग्राइंड की थी पानी के साथ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और दूध को हम बॉईल होने देंगे जिससे ये कड़ता रहेगा। दूध को हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कढ़ाएंगे जिससे ये थिक हो जाएगा। 15 टू 20 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हो दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम जावित्री पाउडर डालेंगे। मैंने इसमें पिंच ऑफ जावित्री पाउडर यूज किया है, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम शुगर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम बादाम और काजू का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम सर्विंग के लिए यूज कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसको हम 5 मिनट्स के लिए और बॉईल होने देंगे जिससे शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगी। फाइव मिनट्स हो गए हैं, दूध रेडी हो गया। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, गर्म भी सर्व कर सकते हैं। अब दूध को हम सर्व करेंगे पिस्ता काजू और बादाम डाल। हमारी आज की रेसिपी बादाम मिल्क। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए। प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।